रायपुर में आर्थिक तंगी की वजह से सेन समाज के 3 लोगों ने बीते दिनों खुदकुशी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस घटना से आहत वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने रायपुर के एक सैलून पर पहुंचकर खुद हाथों से उस्तरा थामकर ग्राहक की दाढ़ी बनाई एवं सेन समाज सहित सभी समाज को अपनी असलियत न छुपाने एवं अपना पुश्तैनी काम कभी न भूलने की नसीहत दी। देखिए वैशाली नगर विधायक ने दाढ़ी बनाते समय क्या संदेश दिया। रायपुर में मो साथ है कमल कमल सेन। आज एक दुकान आए हूँ मैं, हाँ, और दुकान में मैं सोचे हूँ कि एक संदेश देना है समाज ला, तो ओकर पर मैं एक दुकान में दाढ़ी बनाए बर आए हूँ। बनवाए बर नहीं आए हूँ, बनाए बर आए हूँ। और ओकर पीछे कुछ कारण है, एक गहा के और एक जो है सेविंग में बनावा हूँ। ओके पीछे मूल उद्देश्य कुछ समाज के है जो मैं बात करत करत आपके नाम का है हीरा सोनकर। हीरा सोनकर, हीरा सोनकर है, ग्राहक के रूप में है दुकान में। अब मैं एक जो है एक थोड़ा से जो है सेविंग करत हूँ, साथ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि वीडियो बनाए के मकसद क्या है। कुछ हिंदी कुछ छत्तीसगढ़ी में मैं बात अपना रखूँ मैं, हाँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके पीछे ये है कि कभी भी हमारे समाज के लोग जो सेन नाई समाज के लोग होते हैं, उन लोग अधिकतर जब अच्छे पदों पे चले जाते हैं तो अपने जाति को अपने समाज को छुपाने लगते हैं, जो बड़ा ही चिंताजनक बात है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है सेवास है, तो वो जब उच्च पदे पे चले जाते हैं, कई सेवास ऐसे हैं जो श्रीवास्तव बन गए क्योंकि उनको अपनी जाति छुपाने में, क्योंकि उनको लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा लोगों को तो लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरी जाति का मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए जो है आज मैं यहाँ पे आया हूँ और अपनी कुछ बातों को रख रहा हूँ। मैं विधायक बन गया हूँ और विधायक कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर जी। उनके बाद 6 दशक के बाद कोई दूसरा नई विधायक बना है, वो छत्तीसगढ़ से, मैं वैशाली नगर विधानसभा से बना हूँ। और हमारे समाज में हमेशा जब भी कोई ऊंचाई पे जाता है तो कर्पूरी ठाकुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर थे मुख्यमंत्री, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कभी अपनी जाति को नहीं छुपाया, बल्कि वो लोगों संसद में विधानसभा में बोलते रहे कि मैं नाई हूँ। और इस बात को लेकर मैं भी आज यहाँ पर आया हूँ सैलून दुकान में। मुझे गर्व है कि मैं नाई जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं सेन समाज से हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो जितने लोग हैं, जो समाज के जो ऐसे लोग हैं, जो लोग अच्छे पदों पे हैं, वो खुल के सामने आए। खुल के से जब सामने आएंगे आप तो कहीं ना कहीं जो है समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और अभी 3 लोग रायपुर में आत्महत्या किए हैं जो सबके सामने हैं, जिसमें पति पत्नी और एक बेटी पायल सेन जो है उसने भी फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, सब सामने है आत्महत्या किए। उसके पीछे मूल कारण जो समझ आया है वो ये समझ आया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। अब बताइए आप, हमारा सैलून का व्यवसाय होता है नाई का, नाई समाज का सैलून का काम होता है। और सैलून में सीधी तरीके से अगर देखा जाए तो 50% कमाई होता है। और चिंता का विषय अब इसलिए हो गया है कि हमारे लोग नाई का काम नहीं करना चाहते, सैलून का काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उनको लगता है ये लोगों का मुंह पोछना पड़ता है, लोगों का हाथ पांव दबाना पड़ता है, लोग नाई जाति से हमको संबोधित करके हमको गाली देते हैं। लेकिन आप ये भूल गए हो कि सैलून एक सबसे बड़ा उद्योग है और हमारे समाज को आजकल दूसरे समाज के लोग, दूसरे राज्य के लोग छत्तीसगढ़ में आके या छत्तीसगढ़ से जाके दूसरे जगह पे जाके जो है इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए चिंता का विषय है। मैंने इसीलिए 16 जनवरी को ऑडिटोरियम, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जो साइंस कॉलेज के बाजू में है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा हूँ, जिसमें रोजगार मेला 10 से 15 हज़ार रुपये तक की जो लागत, जिसको चाहिए 10 से 15 हज़ार रुपये जो मासिक चाहते हैं उनके लिए प्राइवेट नौकरी का इंतजाम,
जो महिला ब्यूटी पार्लर चलाती हैं घर घर में, उनका रजिस्ट्रेशन, ताकि उनको विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत और अन्य केंद्र शासित योजनाओं के अंतर्गत उसको लाभ मिल सके, उसके लिए 16 जनवरी को मैं बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिसमें देश भर से सेन नाई समाज के लोग आ रहे हैं। मैं ऐसे ग्रुप में जुड़ा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि बहुत लोग छत्तीसगढ़ से हैं और अन्य पूरे देश भर से इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को बताने का मकसद ही मेरा यही है, बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं, कई IAS ऑफिसर हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जुड़ा हूँ जो मेरे समाज के हैं, कई IPS हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग पदों में है, कोई नोएडा अगर रहते हैं तो नोएडा में आधी से ज़्यादा ज़मीन सेन समाज वालों की है। तो अपने समाज को आप भूलिए मत, अपने समाज के लिए आगे बढ़िए और लगातार आप अपने पहचान को ये बताइए लोगों को कि आप नाई समाज से हैं, आप सेन समाज से हैं, आप सेन समाज से हैं, ये लोगों को बताते रहिए। और आप अपने समाज को छुपाओगे, आप अपनी जाति को छुपाओगे, एक दिन आपको इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब आप समाज में अपने बेटे और बेटी का विवाह करने निकलोगे तो उस समय आप जब बताओगे कि मैं श्रीवास्तव बन गया था, डर के मारे मैं तो श्रीवास था, मैं दूसरी जाति का सेन, कई लोग सेन बताते हैं, बंगाली बताते हैं अपने आप को कि मैं बंगाली समाज से हूँ, अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन जब आप शादी करने जाएंगे बेटे बेटी की सबकी, और उस समय जब समाज में विस्तार खोजेंगे तो उस समय आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो इसलिए मेरा सब आपसे निवेदन है कि कोई भी अपनी जाति को ना छुपाए और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे, क्योंकि तो शासन की, केंद्र शासन की बहुत सारी योजनाएं हमारे समाज को लेके है। तो मेरा आपसे विनती यही है कि मैं आज देखिए 25 साल बाद अगर मैं अपने हाथ में अस्तूरा पकड़ा हूँ, मेरे को मालूम है कि इस वीडियो को जारी करने के बाद लोगों के नकारात्मक कमेंट्स भी आएंगे, मेरे को मेरी जाति को लेके लोग मेरा माखोल भी उड़ाएंगे, सोशल मीडिया में मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं देखिए विधानसभा में जब शपथ लेने गया तो सबसे पहले मैंने क्या कहा शपथ लेने से पहले, संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जय, उसके बाद ही मैंने शपथ लिया। तो मैं जब अपनी जाति को नहीं छुपा रहा हूँ विधायक बनने के बाद, तो आप लोग अपनी जाति को क्यों छुपाते हैं, क्या मिल जाता है? बस आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत होइए, अपने जो मूल काम है उस मूल काम से भागिए मत, क्योंकि हमारा व्यवसाय दूसरे लोग करने लगे हैं, और आप लोग मजबूत होइए। समाज की दिशा में मैं कुछ नया काम करने वाला हूँ, 16 जनवरी को अवश्य आइएगा ऑडिटोरियम दीनदयाल उपाध्याय, पूरे भारतवर्ष के सेन नाई समाज को मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं उस दिन मिलूँगा। आप लोग मेरा सम्मान भी करना चाहते हैं विधायक बनने के बाद, वहीं मेरा सम्मान भी कीजिएगा, वहीं पर आपसे मुलाकात होगी, खाना खाएँगे, आपसी में बात करेंगे और संत शिरोमणि सेन जी महाराज के कदमों पर हम सब चलेंगे, हमारे समाज के लोग चलेंगे, ऐसी हम सबकी उम्मीदें हैं। और हीरा सोनकर इनका नाम है और बहुत बड़ा रिस्क लिए हो, मैं दाढ़ी लेकिन भुलाया नहीं आते हैं, अच्छा दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाया तो अरे के अस्तूरा भी अच्छा आते हैं, वो एक दाद देना पड़े कमल, ये रिस्क के लिए है, मैं 25 साल बाद अस्तूरा पकड़े हूँ, मैं 25 साल बाद आपके पकड़े के स्टाइल जैसे हम रोज करते हैं वैसे रेगुलर है, बस अब यही है हीरा भाई, तो धन्यवाद अतिक बड़े इसके लिए, तो सास अटका थी इस तैसा लागत मोर, तो चलो अच्छा है, एक बढ़िया जो है आपके दाढ़ी बन गए है, बस आपके हीरा भाई के माध्यम से समाज ला में संदेश देवा था, आप सब लग जोड़ के नितेश भाई से मतलब मिलके बड़ा प्रशंसा हूँ, खुशी हुई से जी जी जी, जो इतना बड़े पद में बैठ के भी जी अपन जी, समाज के लिए वो संदेश देना चाहत रही से जी जी, और मतलब पूरा भरोसा है कि ये वीडियो ला देख के जी सेन साहब नाऊ साहब के समाज के सब लोग गर्वंतीस महसूस करी हमार जी विधायक साहब के लिए, काबर की इतना बड़े पोस्ट में आए के बाद भी यदि कोई संदेश देना है जो समाज के लिए जी, और अभी बने भैयाला हमारे विधायक भैयाला एक ही महीना हुए हैं जी जी, कल एक महीना हुई हाँ, 3 तारीख कल एक महीना हुए हैं, आते ही अपन समाज के लिए बहुत बड़े संदेश दे है और अपन समाज के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम भी कराए जाते हो जी, 16 जनवरी के, तो पूरा सेन समाज से मोर भी अनुरोध है कि 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, परिवार सहित आए और हमार विधायक महोदय के सम्मान करें, बहुत अच्छा लगे इस मतलब सेन साहब से मिल के, विधायक महोदय से मिल के,
इतना सरल विधायक जी हमारे, ऐसे विधायक की जरूरत है हमें छत्तीसगढ़ में। चाहत हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि वो समाज जाग जाए। नहीं नहीं बहुत बढ़िया समाज अभी है। वो समाज अभी बहुत सारे विषयों पे दिशा विहीन है, तो एक रास्ता मिल जाए और समाज भर में कुछ कर पाऊँ, ये नहीं। बस आपका उद्देश्य है, वो कहीं उद्देश्य नहीं है। अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसकी दुकान आर के सैलून के नाम से भाटा गाँव में स्थित है, एक अपार्टमेंट है रजत सेंट्रम उसके नीचे में है। तो इसको भी आशीर्वाद देने के लिए, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, इसको भी आशीर्वाद दीजिए ताकि इसकी रोजी रोटी और अच्छे से चले। मैं एक चीज़ और, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नड्डा जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक नई जाति को आपने इतना बड़ा मौका दिया, विधायक बनाया। अधिकतर लोग बड़ी बड़ी जातियों को टिकट देते हैं लेकिन हमारी संख्या प्रदेश में कम है, लेकिन आपने हमारी उपयोगिता को समझा और कर्पूरी ठाकुर के बाद 6 दशक के बाद दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने एक विकेश सेन जैसे एक छोटे से परिवार के आने वाले व्यक्ति को, नई समाज से आने वाले व्यक्ति को, सेन समाज से आने वाले व्यक्ति को आपने टिकट दिया। मेरा समाज सेन समाज आपका ऋणी रहेगा और ये पूरे भारतवर्ष में जितने सेन समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा वितरण, ऐसा नई समाज को टिकट कभी किसी दूसरे दल ने नहीं दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद। और कैसा लग रहा है, पूरा हो गया क्लीन? थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बाल बच गया है, वो कमल कर देगा क्लीन, ठीक है ना? इतना मैं ज़्यादा चोट ना लगे करके मैं कम किया हूँ, ठीक है ना? चलो धन्यवाद।